दोस्तों आज भारत तेजी से आर्थिक सफलताएं पा रहा है। तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के कारण महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। फिर भी इस महंगाई के समय में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखता है और बढ़ते कॉम्पिटिशन के साथ यह तय कर पाना बहुत ही कठिन है कि अपने बच्चों के लिए कौन सा स्कूल सबसे बढ़िया हो सकता है। जबकि कुछ स्कूल इतने महंगे हैं कि आम आदमी के लिए इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन है। हालांकि इन स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन सभी को देखते हुए आज की वीडियो में हम भारत के 5 सबसे महंगे स्कूलों की सूची लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द दून स्कूल, देहरादून। यह 1935 में स्थापित एक ऑल बॉय बोर्डिंग स्कूल है जिसकी सालाना फीस 10 लाख रुपए है। यह स्कूल भारत के उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह 72 एकड़ के परिसर में वनस्पति और जीवों के बीच फैला है। यह न केवल मूल्य निर्धारण के मामले में भारत के बेहतरीन स्कूलों में से एक है, बल्कि यह जिस तरह से छात्रों को सामाजिक गतिविधियों में संलग्न करता है उसके कारण छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। BBC और द न्यूयॉर्क टाइम जैसे प्रकाशनों द्वारा इस स्कूल को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में 5वां स्थान दिया गया था। यह स्कूल अपने प्रसिद्ध पूर्व छात्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भारतीय राजनीतिज्ञ ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाब के CM रहे अमरिंदर सिंह और उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जैसी हस्तियाँ यहाँ पढ़ चुकी हैं। यह स्कूल अपने छात्रों को जीवन कौशल की शिक्षा भी प्रदान करता है। नंबर 4, सिंधिया स्कूल, ग्वालियर। सिंधिया स्कूल ऐतिहासिक ग्वालियर किले में स्थित एक लड़कों का एकमात्र बोर्डिंग स्कूल है। मूल रूप से इसे सरदारों के स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1857 में स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया ने की थी। यह मूल रूप से शाही परिवारों के रईसों और राजकुमारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। बाद में यह एक पब्लिक स्कूल में विकसित हो गया। वर्तमान में इस स्कूल की सालाना फीस लगभग 13 लाख रुपए है। यह स्कूल शानदार ग्वालियर किले के ऊपर स्थित है और नीचे शहर और पहाड़ियों का आनंद लिया जा सकता है। इस स्कूल ने इतिहास के कई युद्ध देखे हैं, अंग्रेजों से लेकर झांसी की रानी तक। यहां एडमिशन लेने के लिए आपको सिंधिया स्कूल एप्टीट्यूड एनालिसिस टेस्ट पास करना होगा। यह टेस्ट हर साल जनवरी और फरवरी के बीच लिया जाता है। यहाँ सलमान खान, अरबाज खान और अनुराग कश्यप जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने पढ़ाई की है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने भी यहाँ पढ़ाई की है। नंबर 3, मेयो कॉलेज, अजमेर। मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान, भारत में अरावली हिल्स में स्थित एक लड़कों का एकमात्र आवासीय पब्लिक स्कूल है। इसकी स्थापना 1875 में मेयो अर्ल रिचर्ड VI ने की थी। यह भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। इस स्कूल की सालाना फीस लगभग 6,50,000 से लेकर 13 लाख तक है। यह स्कूल बेहतरीन स्थानों में से एक है जो छात्रों को घुड़सवारी, स्वेक्स और अन्य कई खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। मेयो स्कूल में 9 गोल्फ कोर्स होल, पोलो ग्राउंड, घुड़सवारी के लिए 50 घोड़ों का अस्तबल और एक अच्छी तरह सुसज्जित 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज है। इस स्कूल में रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, ग्लास वर्क, ऑर्गेनिक, NCC, मेटल वर्क, कारपेंट्री, आर्टिस्ट, स्क्रीन प्रिंटिंग और बहुत कुछ सिखाया जाता है। इस स्कूल में अभिनेता निर्देशक टीनू आनंद, अभिनेता विवेक ओबरॉय, लेखक इंद्र सिन्हा और ओमान के सुल्तान जैसी कई हस्ती ने यहाँ पढ़ाई की है। 1986 में भारतीय डाक सेवा ने मेयो कॉलेज के मुख्य भवन को दिखाते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया था। नंबर 2, गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी। यह स्कूल भारत के तमिलनाडु नीलगिरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यह नीलगिरी हिल्स में 70 एकड़ में फैला हुआ है और अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में इसे शीर्ष रैंक का दर्जा मिला था। वर्तमान में इसकी सालाना फीस लगभग 6 लाख से 15 लाख रुपये है। यह स्कूल IB बोर्ड, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन CISCE द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें टेनिस, गोल्फ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट और एसोसिएशन फुटबॉल के लिए क्लासरूम, लेबोरेटरी ब्लॉक्स, 2 लेक्चर थिएटर्स, 2 इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, राइफल रेंजेस, फील्ड्स और टेनिस के कोर्ट आदि शामिल हैं। नंबर 1, वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी। वुडस्टॉक स्कूल आज़ादी के बाद से भारत का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है।
इस स्कूल को ईसाई अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। यहाँ ईसाई धर्म की पढ़ाई होती है। यह स्कूल मसूरी में स्थित है। यह संस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की अवधि से 160 वर्षों के गौरव का सम्मान करता है। दोस्तों, यह भारत का सबसे महंगा स्कूल है, क्योंकि यहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए करीबन 17 लाख रुपए का सालाना भुगतान करना पड़ता है, और साथ ही प्रवेश के समय 4 लाख नॉन रिफंडेबल और 2 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ती है। यह स्कूल कम से कम 250 एकड़ में बनाया गया है, जहां छात्रों के रहने के साथ पढ़ाई की भी सुविधा दी गई है। दोस्तों, वुडस्टॉक स्कूल से अभिनेता टॉम वॉल्टर जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे महंगे स्कूल, जिनकी फीस और सुविधाएं जानकर आपके होश तो उड़ गए होंगे। और अगर आप अब भी होश में हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।